दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि नेपाल टीम आईसीसी क्वालिफायर्स जीते तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें। गाइस आज आईसीसी क्वालिफायर्स में नेपाल ने अपना दूसरा ग्रुप स्टेज मैच यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ खेला, जहां करण केसी की शानदार बॉलिंग के सामने यूएसए के बैट्समैन काफी ज्यादा बेबस दिखे। इस क्रूशल मैच में नेपाल ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया, जहां नेपाल का ये फैसला सही साबित हुआ और करण केसी ने दूसरे ही ओवर में 2 विकेट ले लिए, जहां करण केसी ने सबसे पहले स्टीवन टेलर को 4 रनों पर, वहीं साई तेजा मुक्का मल्ला को 0 पर आउट कर दिया। यूएसए का स्कोर 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वैसे दोस्तों आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। करण केसी की खतरनाक स्विंग बॉलिंग ने और भी जलवे दिखाए और 8वें ओवर में करण ने एरॉन जोन्स को 2 रनों पर, वहीं 10वें ओवर में नॉस्टहुस कैंजे को 1 रनों पर आउट कर दिया, जहां यूएसए का स्कोर था 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर के बाद। इसके बाद यूएसए की इनिंग्स को गजानंद और सुशांत ने संभाला, जहां 15वें ओवर में गजानंद ने यूएसए की इनिंग्स का पहला सिक्स लगाया, जहां 16 ओवर तक यूएसए का स्कोर था 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 18वें ओवर में यूएसए के स्कोर को दोनों प्लेयर्स ने 50 के पार पहुंचा दिया, जहां 20वें ओवर में सुशांत ने भी एक सिक्स लगाया, जहां 20 ओवर तक यूएसए का स्कोर था 62 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 22वें ओवर में अच्छा खेल रहे गजानंद 26 रन बनाकर आउट हो गए, जहां यूएसए का स्कोर 66 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद क्रीज पर नवे आए शयान जहांगीर ने आते ही अटैक किया और 2 फोर लगा दिए, जहां सुशांत और शयान के बीच छोटी सी 28 रनों की पार्टनरशिप हुई। जब यूएसए का स्कोर 95 रन था, तब अच्छा खेल रहे सुशांत 42 रन बनाकर आउट हो गए। यूएसए का स्कोर 100 रन 6 विकेट के नुकसान पर 31 ओवर्स के बाद। इसके बाद जहां नेपाल को जल्दी से जल्दी यूएसए को ऑल आउट करना था, पर 8वें विकेट के लिए जहांगीर और निसर्ग पटेल ने 34 रनों की पार्टनरशिप कर दी, जहां इस पार्टनरशिप में 25 रन जहांगीर के थे। जब यूएसए का स्कोर 128 रन था, तब निसर्ग पटेल 8 रन बनाकर आउट हो गए, जहां 40 ओवर तक यूएसए का स्कोर था 143 रन 7 विकेट के नुकसान पर, जहां जहांगीर अपने हाफ सेंचुरी के नजदीक थे। 42वें ओवर में यूएसए का स्कोर 150 के पार पहुंच गया, वहीं शयान जहांगीर ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। 43वें ओवर में जहांगीर ने एक लंबा सिक्स लगा दिया। जब यूएसए का स्कोर 170 रन था, तब जैसी सिंह 12 रन बनाकर आउट हो गए। 45वें ओवर में शयान जहांगीर ने करण केसी के ओवर से पहले 2 गेंदों पर 2 सिक्स लगाए, वहीं उसी ओवर से 1 फोर भी लगा दिया। यूएसए का स्कोर 190 रन 8 विकेट के नुकसान पर 45 ओवर के बाद, जहां शयान जहांगीर ने सबसे पहले यूएसए के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया, जहां 48वें ओवर में शयान जहांगीर ने अपनी पहली इंटरनेशनल सेंचुरी भी पूरी कर ली, पर यूएसए 49वें ओवर में 207 रनों पर ऑल आउट हो गई। 208 रनों का पीछा करने उतरी नेपाल की शुरुआत अच्छी रही, जहां 4 ओवर तक नेपाल का स्कोर था 24 रन पर 5वें ओवर में आसिफ शेख 12 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कुशाल बुर्टेल और भीम शर्की ने नेपाल की इनिंग्स को संभाला, जहां सबसे पहले दोनों प्लेयर्स ने नेपाल के स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया, जहां 10 ओवर तक नेपाल का स्कोर था 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 13वें और 14वें ओवर में कुशाल बुर्टेल ने 2 फोर लगा दिए, पर 15वें ओवर में अच्छा खेल रहे कुशाल बुर्टेल 40 रन बनाकर आउट हो गए, जहां 20 ओवर तक नेपाल का स्कोर था 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 23वें ओवर में भीम शर्की और रोहित पौडेल ने नेपाल के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया, जहां 24वें ओवर में भीम शर्की ने 2 फोर लगाए, पर 27वें ओवर में अच्छा खेल रहे रोहित पौडेल 16 रन बनाकर आउट हो गए, जहां 28 ओवर तक नेपाल का स्कोर था 123 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद क्रीज पर आते ही कुशाल मल्ला ने 1 फोर और 1 सिक्स लगा दिया, जहां 33 ओवर तक नेपाल का स्कोर था 137 रन 3 विकेट के नुकसान पर।